फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी के पत्ते की पकौड़ी। ये पकौड़ी खाने में बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्पाइसी होता है, और इस पकौड़ी को बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। आइए देखते हैं उनमें से एक मेथड और बनाते हैं अरवी के पत्ते की पकौड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 10 से 12 अरवी के पत्ते लिए हैं, जिनको अच्छे से धुल लिया है और जो उनकी डंठल है उनको काट के अलग कर लिया है। एक कटोरी चावल जिसको 2 घंटे के लिए भिगो लिया था, 1 से 1.5 बड़े चम्मच नमक यूज़ करेंगे, 1 मुट्ठी लहसुन लिया है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मैंगो चटनी। मैंगो चटनी भी आप यूज़ कर सकते हैं या मैंगो पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और जो मैंगो चटनी की रेसिपी का लिंक है मैं यहाँ पे दे दूँगी। और आप इसकी जगह पे कोई भी खट्टी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जगह पे इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और 14 से 15 काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया और 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 8 से 9 बड़े चम्मच बेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पेस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राइंडर में ऐड किया 1 मुट्ठी लहसुन, जीरा, और यहाँ पे जो बड़ी इलायची थी उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। तो बड़ी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी ऐड कर दिया। इसी में ऐड कर देंगे हींग, और यहीं पे मैंने ऐड कर दिया लाल मिर्च पाउडर, और जो साबुत धनिया था उसको भी ऐड कर दिया, और इन सब का बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। तो थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दे रही हूँ, वैसे ही मसाले की तरह इसको मैंने पीस लिया थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब इस मसाले को अलग कटोरी में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा जो मसाला है वो तैयार है। अब सेम ग्राइंडर में ही जो चावल थे भीगे हुए उन्हें भी हम पीस लेंगे। इसमें भी थोड़ा सा पानी हमने ऐड किया और महीन सा पेस्ट बना लिया। इसको भी एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो सारे पेस्ट रेडी हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी थाली ली, उसमें ऐड किया चावल का पेस्ट, फिर ऐड करेंगे मसाले का पेस्ट, फिर इसमें ऐड किया खटाई या आम की चटनी, नमक और गेहूं का आटा, और यहाँ पे ऐड किया मैंने बेसन, हल्दी मैं भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में बताना, यहाँ पे मैंने ऐड किया 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसमें एक गाढ़ा सा पेस्ट बना ले रही हूँ। तो जिन बाउल्स में मैंने पेस्ट निकाला था उसी में थोड़ा पानी डाल के मैं ऐड कर ले रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी है। तो एक बार नमक टेस्ट कर लेते हैं। इसमें नमक थोड़ा तेज होना चाहिए। तो नमक भी मैंने टेस्ट किया, नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। ध्यान रखिए कि जो पेस्ट बनाना है वो थोड़ा गाढ़ा बनाना है। तो अब पत्तों का रोल स्टार्ट करते हैं करना। तो पत्तों की रोलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा पत्ता लिया और उस पर मैंने पेस्ट अप्लाई कर दिया। तो ये ध्यान रखिए कि जो पत्तों की जो डायरेक्शन है वो ऐसे ही रखना है, वरना जो आप पत्ते जब रोल करेंगे तो अच्छे से रोल नहीं होंगे। तो एक बड़ा पत्ता लेने के बाद अब हम उसके ऊपर छोटे छोटे पत्तों को रख लेंगे। तो यहाँ पे एक और पत्ता मैंने रखा, ये जो डंठल जैसे होता है इसको निकाल दें, वरना जो पत्तों का जो रोल है वो टूट जाता है अगर ये हार्ड होते हैं। तो जो एक पत्ता लगाया था उस पर भी मैं पेस्ट अप्लाई कर दूँगी, और ऐसे ही करके हम छोटे छोटे पत्तों को अंदर की तरफ सेट करते जाएंगे लेयर बाय लेयर। तो अप्रॉक्सीमेटली एक रोल बनाने में मैंने 5 पत्तों को लेयर बाय लेयर सेट किया है। बस ये ध्यान रखिए कि जो पहला पत्ता रखेंगे वो बड़ा रखेंगे और जो लास्ट पत्ता रखेंगे वो भी हम बड़ा रखेंगे, ताकि जो अलग किनारे से हमारे पत्ते ना निकलें। तो अब इनकी रोलिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइड से मैंने ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर दिया और हल्के हाथों से दबा दिया इसको, और उस पर भी मैंने पेस्ट अप्लाई कर दिया। जो पेस्ट बनाया है वो थोड़ा खट्टा होता है, और फिर इसके दूसरे साइड से भी सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे और उस पर पेस्ट अप्लाई कर देंगे। जो हमारे अरवी के पत्ते होते हैं वो थोड़े से गले में लगते हैं, तो जब हम उसमें खटाई यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए नीचे से भी मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, और ऐसे टाइट हाथों से पकड़ के हम इसको फोल्ड करते हुए ऊपर लेके जाएंगे।
तो जो नीचे का हिस्सा है उसकी जो डंठल होती है वो कई बार टाइट होती है तो वो टूट जाती है अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन से करेंगे, तो जो डायरेक्शन मैंने दिखाया उसी डायरेक्शन से आप इसको रखें और कॉर्नर्स पे हम थोड़ा सा जो पेस्ट है वो और अप्लाई कर देंगे। तो रोल हमारा बिल्कुल रेडी है, तो एक रोल रेडी है। सेम इसी प्रोसेस से हम सारे रोल प्रिपेयर कर लेंगे। तो सारे रोल प्रिपेयर हो गए हैं, थोड़ा सा मिक्सचर बचा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल के पकौड़े के घोल के अकॉर्डिंग घोल तैयार कर लेंगे। तो ये घोल हमारा बिल्कुल रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रोल था इसको कट करेंगे, तो ऐसे एक उंगली से आप वहाँ पे साइड में प्रेस कीजिए और दूसरे हाथ से कट कीजिए और तुरंत इसको हम बेसन के घोल में डाल देंगे और तुरंत उसके बाद कढ़ाही में डाल देंगे। तो मैं एक और आपको कट करके दिखाती हूँ। एक उंगली से ऐसे साइड से पकड़ेंगे और इसको कट कर देंगे और फिर तुरंत इस बेसन में डिप करेंगे। देखिए कितना स्पाइरल सा बना हुआ है। तेल हमने एक साइड में गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल गर्म हो गया है और फ्लेम को हम कर देंगे धीमा और सारे पकौड़ों को उसमें हम डाल देंगे। तो सारे पकौड़ों को डाल दिया है और फ्लेम को अब हम धीमा करके दोनों साइड से लाइट ब्राउन होने तक हम पकौड़ों को पका लेंगे। तो देखिए एक साइड से ये ब्राउन हो गए हैं, तो इनको हम पलट देते हैं। इन पकौड़ों को हम धीमी आंच पे ही पकाते हैं और इन पकौड़ों में हम खटाई ज़रूर डालते हैं वरना ये गले में लगने लगते हैं। तो तैयार है हमारे क्रंची से पकौड़े। तो इन्हें हम किचन नैपकिन पे निकाल लेते हैं। तो एकदम क्रंची से पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। तो गर्मा गर्म इन पकौड़ों को हम खट्टी चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।